हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, गवर्नर कांट विथहोल्ड रीपास बिल्स सेज सुप्रीम कोर्ट। ये डीवाई चंद्रचूड़ है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने भी देखिए यही बोला है, दीज बिल्स हैव बीन पेंडिंग सिंस जनवरी 2020। द गवर्नर टुक एक्शन ओनली आफ्टर वी इशूड नोटिस इन द मैटर। वाई शुड गवर्नर्स वॉन्ट पार्टीज टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप? तो गवर्नर जो है ये क्यों चाह रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तभी हम लोग उसके ऊपर प्रोसीडिंग करें, तभी वो लोग कोई स्टेप। ऐसा नहीं है, गवर्नर जो है कोई बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकता, मतलब अपने पास नहीं रख सकता। कौन से बिल्स? जो वापस से पास किए गए बिल्स हैं, देखते हैं क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक नोट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्न दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर आर एन रवि डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। किस केस में? तो विदहोल्ड द 10 बिल्स रीपास्ट। तो यहाँ पे मेन एक कीवर्ड हो जाता है रीपास्ट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वंस दे हैव बीन रीपास्ट दिस बिल्स आर पुट इन सेम फुटिंग एज मनी बिल। तो अगर कोई बिल है वो रीपास कर दिया जाए तो वो वापस से आपका मनी बिल की तरह काम करता है। मनी बिल की तरह काम करता है मतलब गवर्नर उसके ऊपर अपना विदहोल्ड डिस्क्रिशन नहीं कर सकते, उसको पास करना ही करना है, अपने असेंट, गवर्नर असेंट देना ही देना है। देन यू द गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट। तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ हेडिंग द 3 जज बेंच रिमार्क्ड द कोर्ट वॉज रिएक्टिंग टू आर्ग्यूमेंट रेज बाय द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी, मुकुल रोहतांगी, पी विल्सन एंड एडवोकेट सबरीश सुब्रमण्यम। द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 200, यहाँ पे आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 200 स्टेट्स इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस और हाउसेस विथ और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू गवर्नर फॉर असेंट द गवर्नर शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम। शैल मतलब कंपल्सरी, शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम। तो यहाँ पे गवर्नर को अपना असेंट जो है विडहोल्ड नहीं करना है, वो बोल नहीं सकता देखता हूँ, पॉकेट वीटो नहीं यूज कर सकते वो यहाँ पर। क्योंकि एक बार देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होगी। अब यहाँ पे एक हाउस है या दो हाउस है, बाइकैमरलिज्म है या यूनिकैमरलिज्म है, वो अलग चीज़ है, पर स्टेट लेजिस्लेचर है। ये उसके ऊपर आ गए गवर्नर और उसके ऊपर आ गए आपके प्रेसिडेंट। तो गवर्नर या तो अपना असेंट दे दे, बिल बन जाए। इन्होंने बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर को लगा कुछ सही है कुछ गलत है। तो इन्हों ये दो चीज, तीन चीज कर सकते हैं आप। देखिए, या तो ये प्रेसिडेंट को दे दे, या तो ये वापस रिकंसिडर करवा दे, या तो ये पॉकेट वीटो करके अपने में ही रख ले, तो उसका कोई टाइम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इसको वापस सेंड किया कि भाई देखो इसमें कुछ चीजें मेरे को सही नहीं लग रही है। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, वापस से विथ और विदाउट चेंजेस, अगर गवर्नर को विथ और विदाउट चेंजेस इन्होंने वापस से वो बिल भेज दिया, तो आप देखिए गवर्नर का यहाँ पे कोई, यहाँ पे अब इसको एज अ मनी बिल गवर्नर को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे विदहोल्ड नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते वापस, तो भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मतलब यहाँ पे असेंट देना ही पड़ेगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 200 में यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। बट एट वन पॉइंट द चीफ जस्टिस आस्क वेदर द गवर्नर हैड टू मैंडेटरी सेंड द बिल्स बैक टू हाउस फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर विद होल्डिंग असेंट। कैन ही सिंपलिसिटरली से आई एम विद होल्डिंग असेंट विदाउट सेंडिंग द बिल बैक टू द हाउस? जस्टिस चंद्रचूड़ आस्क मिस्टर सिंघवी रिस्पॉन्डेड दैट रिटर्निंग द बिल बैक टू हाउस विद अनेसेसरी कोरोलरी टू द विड्रॉवल ऑफ द असेंट। द कोर्ट ऑल्सो एक्नोलेज द स्टेट सबमिशन दैट द गवर्नर हैविंग विदहेल्ड असेंट एंड सेंड बैक द बिल वंस कैन नॉट रेफर द रीआइट्रेटेड बिल्स टू द प्रेसिडेंट। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जब वापस यहाँ पे तीन ऑप्शन थे, अब देखिए मैं लिख देता हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर, ये हो गया आपके स्टेट लेजिस्लेचर, ये हो गया आपके गवर्नर, ये ऊपर में हो गए प्रेसिडेंट। तो एक लग गया यहाँ पे, इनके पास तीन ऑप्शन है, या तो प्रेसिडेंट को दे, या तो विदहोल्ड करे, और या तो स्टेट लेजिस्लेचर को दे। 1, 2, 3 ऑप्शन है, पर मानिए इन्होंने थर्ड ऑप्शन लिया, स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको कंसिडर किया विथ और विदाउट चेंजेस, इसको वापस भेज दिया।
अब ये 1, 3, 1, 2, 3 ऑप्शंस नहीं बच रहा है, यहाँ पे उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। 1 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर, विदोल नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, वापस से नहीं भेज सकते। तो क्या मतलब हो गया इसका, एसेंट देना ही है तो इसको एज अ मनी बिल कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नर को। यहाँ पे ये चीज बता रही है, यहाँ पे जो 1 ऑप्शन था प्रेसिडेंट वाला, यहाँ पे वो बता रहे कैन नॉट रेफर द रिइटरेटेड बिल टू द प्रेसिडेंट। द स्टेट हैड कंप्लेंट टू द कोर्ट दैट द गवर्नर वाज विदहोल्डिंग द बिल बैक इनडेफिनेटली, मतलब बहुत टाइम से इसको रखा हुआ था, ये हमने देखा 2020 से। डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु टू बेनिफिट्स द क्रूशियल लॉ पास बाय द हाउस। तो यहाँ पे साफ बात है, यहाँ पे जो तमिलनाडु के पीपल है, नॉर्मल सिटीजन है, जनता है, उनके राइट्स को यहाँ पे मतलब परेशान हो रहे थे, उनके राइट्स यहाँ पे कटेल हो रहे थे गवर्नर के इस डिसीजन की वजह से। अब देखिए, द गवर्नर हैड विदहेल्ड असेंट एंड रिटर्न बिल टू हाउस ऑन नवंबर 13, द स्टेट सेड। द तमिलनाडु असेंबली हैड कन्वीन्ड अ स्पेशल सेशन ऑन नवंबर 18। तो 13-18 को रीपास द बिल एंड सेंड देम बैक टू गवर्नर फॉर अप्रूवल, या फिर अप्रूवल के लिए वापस से भेजा गया। द गवर्नर रिटर्न द बिल विद जस्ट 1 लाइन, आई विद होल्ड कंसेंट। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन से ये बोल दिया कि मैं तो विदहोल्ड कर रहा हूँ। वॉट वॉज द असेंबली सपोज टू डू, हम क्या करें। सो द हाउस रिपास द बिल, तो उन्होंने फिर से रिपास कर दिया। द गवर्नर हैज टू रिटर्न द बिल विथ अ मैसेज स्पेलिंग आउट रीजन वाई ही हैड रिटर्न द बिल। तो यहाँ पे उनको रीजन देना था, मिस्टर रोहतगी पॉइंटेड आउट, ठीक है। आर ऑर्डर इशूइंग नोटिस टू द पिटिशन फाइल्ड बाय तमिलनाडु वॉज ऑन नवंबर 10। द गवर्नर टुक एक्शन ओनली आफ्टर वी इशूड नोटिस इन द मैटर। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला जब हमने ये एक्शन लिया है, नोटिस पिटीशन फाइल किया है, उसके बाद ही गवर्नर ने एक्शन लिया है। व्हाई शुड गवर्नर वांट पार्टीज टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। यही चीज आपके ये बात हो रही है कि अब हर चीज सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज सुप्रीम कोर्ट जाके कैसे काम चलेगा। मिस्टर वेंकट रमानी सबमिटेड दैट 182 बिल्स वर गिवन टू गवर्नर बाय द हाउस ऑफ अप्रूवल, ऑफ दिस 152 हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है। 5 वर विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एंड 9 रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर रेफरल टू द प्रेसिडेंट। तो 9 बिल्स आप देखिए गवर्नर ने रिजर्व करके रखे हैं। द गवर्नर हैड विदहेल्ड कंसेंट ऑन 10 प्रपोज्ड लॉ एंड 5 व्हिच वर रिसीव्ड इन अक्टूबर 2023 वर अंडर प्रोसेस। ही सॉट अ डिफरमेंट ऑफ द हियरिंग इन ऑर्डर टू गिव द गवर्नर टाइम टू कंसिडर द रीपास्ट बिल। द कोर्ट शेड्यूल द नेक्स्ट हियरिंग ऑन डिसम्बर 1। Meanwhile, the 35-page note submitted by the Attorney General in the Supreme Court said there was no transparency in the entire selection process related to the appointment of member of the Tamil Nadu Public Services Commission. Mr. Venkatramani note on behalf of the government said the letter found that the person sought to be appointed as a chairman will have less than a year in office, and one of the person recommended as a member was suspended for maladministration by the college, where he was working. अब हम लोग देख लेते हैं इसका एक बार समरी कि इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। देखिए जस्ट अ सेकेंड, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। ये बाइलेटरल भी हो सकता है, 1 हाउस भी हो सकते हैं इसमें, और 2 हाउस भी हो, अपर हाउस लोअर हाउस जो होता है, इसमें दोनों हो सकते हैं। अब ये अगर कोई बिल पास कर रहा है तो इसमें क्या होता है, कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें सबसे पहले बिल एंड में ये तो डिसाइड कर लेंगे, वो बिल एक्ट कब बनेगा, जब जाएगा आपके गवर्नर के पास, ठीक है। गवर्नर उसको अपने असेंट देंगे, ठीक है भाई, मतलब वही राजा का जो साइन लगता है फाइनल बिल के ऊपर। अब गवर्नर के पास कोई बिल गया, गवर्नर के पास इसमें 3 रास्ते होते हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए 1, 2 एंड 3 क्या, एक तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करें कि भाई प्रेसिडेंट देखेंगे, दूसरा विदहोल्ड करें, ठीक है, और थर्ड ये सेंड करें, रीसेंड करें रिकंसिडर के लिए, किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेज दें। अब इसमें ये तो एक नॉर्मल स्टेप है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ये इन्होंने रीसेंट किया तो वापस से मानिए इन्होंने ये बिल गवर्नर के पास भेज दिया विथ
और विदाउट। इन लोग को जो लगा सही है गलत है विद और विदाउट चेंजेस जो गवर्नर ने बोले इन्होंने वापस से भेज दिया। और पहली बार जब रिकंसिडर के लिए भेज रहे हैं तो गवर्नर को बताना है वाई, क्या रीज़न है कि आप वापस भेज रहे हो, आपको क्या चीज़ सही नहीं लग रहा है बिल में, ये गवर्नर को बताना है ताकि उसके ऊपर फिर ये लेजिस्लेचर में आपका डिस्कशन हो, वो लोग सोचे कि अच्छा हाँ ये पॉइंट तो है, गवर्नर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं या नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, वो उनका डिस्कशन है। मानिए विद और विदाउट अमेंडमेंट और चेंजेस इन्होंने ये बिल वापस से गवर्नर को भेजा, तो ना वन ऑप्शन है ना टू ऑप्शन है ना थ्री ऑप्शन है, गवर्नर के पास फिर एक फोर्थ ऑप्शन आता है, दैट इज टू गिव असेंट। गिव असेंट का मतलब जो बिल है आपका उसके ऊपर गवर्नर साइन कर ही दे, बोले कि हाँ भाई ये आपका बिल जो है पास हो गया है, ठीक है। मतलब इसमें अब गवर्नर के पास कम पावर बच रही है, तो इसको इसीलिए बोल मनी बिल से कंपेयर कर दिया गया कि मनी बिल की तरह कंसिडर किया जाएगा, जिसमें गवर्नर इसको आपको असेंट देना ही देना है, क्योंकि मनी बिल रुक जाएगा तो फाइनेंस रुक जाएगा पूरे स्टेट का, तो इसीलिए मनी बिल की तरह बोला है इसको, ये मनी बिल नहीं होगा अभी भी, मनी बिल की तरह कंसिडर करना पड़ेगा और बिल पास हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नर अपना साइन कर देंगे बिल के ऊपर असेंट दे देंगे, ठीक है। यही चीज़ थी। और ये अब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, और इसमें अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला है जो है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि ये लोग रुके क्यों हुए हैं आप देखिए ये वाला नहीं, वाई शुड गवर्नर वॉन्ट पार्टीज टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, पहले स्टेप लो ना यार, हम लोग के ऊपर वर्कलोड क्यों बढ़ा रहे हो, तो इसको आप यहाँ से कंसिडर करिए, इस चीज़ को आप पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड से कनेक्ट करके। तो यही था आपका पूरा आर्टिकल। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।